दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा कि क्या आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी सीएम बना सकती है, तो दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी वाले कभी भी सिंधिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि सीएम नहीं बनने देंगे। कहीं ना कहीं ये इशारा दिग्विजय सिंह ने किया है। आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मैं भाजपा और आरएसएस को जानता हूं, तो कभी वो इनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या वाकई में सिंधिया साहब के साथ ऐसा होने वाला है? क्योंकि अभी तो शिवराज सिंह चौहान साहब की जगह शायद सिंधिया जी नहीं ले पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में सिंधिया जी को सीएम बना भी दे, या ये भी हो सकता है कि उन्हें रिजेक्ट भी कर दे। क्योंकि मैं आपको एक और खबर बता देता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि बीजेपी किस तरह से रणनीति के तहत काम करती है। वक्त वक्त की बात है, कभी उमा भारती के नाम से जाने जाने वाली भाजपा को आज पार्टी ने ही भुला दिया। चित्रकूट से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा में ना बुलाने पर उमा भारती ने कहा कि सबको बुलाया, मुझे पूछा तक नहीं। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी सरकार बनाकर दी, यानी कि 2003 में उमा भारती ने सरकार बनाई थी और मेरी पूछ फरक नहीं हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं बीजेपी के लिए वोट मांगूंगी अगर मुझसे चुनाव प्रचार करवाया तो। यानी कि समझ सकते हो आप कि किस तरह से बड़े बड़े दिग्गज जो नेता है, क्योंकि उमा भारती का बड़ा नाम है, एक वक्त में मध्य प्रदेश की सीएम रह चुकी है, उन्हें अगर भुला सकती है तो फिर मामला आप जानते ही हो। चलिए अब एक और टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। बात यह है कि सिंधिया साहब को सब तरफ से धक्के, या कह सकते हैं झटके ही लग रहे हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, जो सरकार गिराते वक्त, जब कमलनाथ की सरकार गिराई थी उस वक्त कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब वही उनके समर्थक, उनके कट्टर, कह सकते हैं कि पहचान वाले नेता अब फिर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं के दल बदलने का दौर भयंकर शुरू हो गया है, हम तो ये मान सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा नेता भाजपा से टूटकर कांग्रेस में गए हैं। इसका मतलब क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ऐसे बड़े नेताओं की संख्या 31 है, जिनमें 25% सिंधिया समर्थक हैं, यानी कि सिंधिया साहब के साथ जो लोग थे, जो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, वो अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। दल बदलने वालों में वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि पार्टी बदलने वालों में केवल भाजपा ही है, कांग्रेस से भी कई नेता भाजपा के खेमे में गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो कांग्रेस में आ रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा ने भाजपा छोड़ी। रघुवंशी ने 2 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली। इसके साथ ही बदनावर से पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ये तीनों दिग्गज नेता माने जाते हैं। जी हाँ, वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अनेकों पर, कहीं ना कहीं भाजपा में आए नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नवगत भाजपाइयों के कारण पार्टी की रीति नीति ही बदल गई है, भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा छोड़ने वाले गिरजा शंकर शर्मा जनसंघ से भी जुड़े रहे हैं, वे 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष और 2 बार विधायक रहे हैं। भाजपा संगठन में उन्होंने जिला अध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, फिर भाजपा में आ गए थे। गिरजा शंकर शर्मा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के बड़े भाई है और सीता शरण शर्मा 5 बार से विधायक है। शर्मा परिवार नर्मदापुरम जिले की रणनीति, या कहते हैं राजनीति में खासा दखल भी रखते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नेता, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ था ना कि बड़े बड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता टूटकर कांग्रेस में आ रहे थे, विधायक रह चुके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो रह चुके थे वो भी खुद कांग्रेस में आ रहे थे।
वैसे ही सेम वैसी कंडीशन आप मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, तो क्या वाकई में बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में डावाडोल वाली हो रही है? क्योंकि जब पार्टी से भगदड़ मचती है ना, तब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि मामला क्या है, किस तरह से पार्टी की हालत खस्ता हुई है। नहीं तो ऐसे भागते नहीं हैं, क्योंकि जिधर दम उधर हम वाला हिसाब नेताओं का आप मान के चल सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ साहब की। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि चंद्रयान की लॉन्चिंग और लैंडिंग तो सफलतापूर्वक हो गई है, लेकिन राहुल यान की 20 साल से ना तो लॉन्चिंग हो पाई है ना ही लैंडिंग हो पाई है। पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में, कोई देश इस काम को नहीं कर पाया कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चला गया, वहां जाकर लैंड हो गया, खड़ा हो गया। यह करिश्मा किया है और आज सारे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। लेकिन विडंबना है कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर पहुंच रहे हैं, सूर्य के नजदीक तक पहुंच रहे हैं। इस समय हम लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, बराबर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान 20 साल से लॉन्च ही नहीं हो पाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर एक पर है, यह कहना है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब का। आगे वो कहते हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो व्यापम जैसा कांड हो गया साहब, पटवरी का मामला आपने देखा ही है। खैर वो आगे कहते हैं कि सीएम गहलोत जिस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं उसका क्लच और एक्सेलेटर कोई और दबा रहा है। कहना चाहूंगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, क्या हो रहा है राजस्थान में? और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, हालात यहां की सरकार की यह है कि मुख्यमंत्री जिस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं इस गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है और एक्सेलेरेटर कोई और दबा रहा है। राजनाथ सिंह सोमवार को रामदेवरा में भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें बोल रहे थे, यानी कि आप समझ सकते हो कि किस किस तरह की बातें बीजेपी को करना पड़ रही है। लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर कोई नहीं देखता है। चुनावी माहौल जो बनाया जा रहा है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही, वन नेशन वन इलेक्शन, हो सकता है कि माहौल ऐसा बनाए कि विधानसभा भी बीजेपी के, क्योंकि विधानसभा में जो हालात दिख रहे हैं, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप दरअसल झारखंड साइड की बात कर लीजिए, हालात बीजेपी के लिए बड़े डेंजरस हैं। या कह सकते हैं कि उनके मन मुताबिक वैसी उन्हें कहीं ना कहीं बातें या वैसा माहौल नहीं दिख रहा है जैसा वो कई बार दावा कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इतना सा और मैं आपसे कह देता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के बारे में दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ी बातें कही है, उनका इंटरव्यू अशोक कुमार पांडे ने लिया है, आप जाकर देख सकते हो। और हम तो ये मानते हैं कि नेता जब पार्टी छोड़ता है तो बहुत आत्ममंथन करता होगा, सोचता होगा, समझता है, उसके बाद ही छोड़ता है। लेकिन जिस वजह से छोड़ी गई थी और जो बातें उन्होंने कही थी उसके सब कहीं ना कहीं विपरीत होता हुआ दिखाई कई बार देता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं, जानकारी ठीक ठाक लगता है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।